तो बच्चों हम आ जाते हैं कॉपी वर्क पर। प्रश्न नंबर एक, क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचकर सामने लिखिए, यानी हमें जो वाक्य दिए हैं उन वाक्यों के नीचे हमें रेखा खींचनी है और जो जिस जगह हम क्रिया को रेखा खींचेंगे वही हमें सामने लिखना है। बच्चों ये आपको कॉपी में कॉपी वर्क करना है और बहुत ही सुंदर अक्षरों में इस कार्य को करना है, साथ में मार्जिन रेखा का भी ध्यान रखना है। तो बच्चों हम पढ़ते हैं, सबसे पहले क, माली पौधा लगा रहा है। तो इसमें हमें क्रिया शब्द को क्या करना है, रेखांकित करना है, तो यहाँ हो जाएगा लगा रहा है। उसी प्रकार राधिका नाच रही थी, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर नाच रही थी, ये हमारी क्रिया है और इसको आपको रेखांकित करके क्या करना है, सामने इसको लिखना है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं बच्चों, बगीचे में फूल खिल गए, तो यहाँ क्रिया क्या है, खिल गए, और यहाँ रेखा खींची आपने और इन्हीं शब्दों को जो क्रिया शब्द हैं हमने उनको सामने लिख दिया। इसी प्रकार दिया गया है बच्चों, घ, पिताजी समाचार पत्र पढ़ेंगे, तो यहाँ क्रिया क्या है, हमने अगर वाक्य देखा तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ क्रिया है हमारी पढ़ेंगे, यानी पढ़ना क्रिया है, समाचार पत्र यानी अखबार, तो यहाँ हमारी क्रिया क्या है, पढ़ेंगे, तो हमने पढ़ेंगे को रेखांकित किया और सामने लिखा हमने पढ़ेंगे। इसी प्रकार देख लेते हैं बच्चों, पक्षी उड़ रहे थे, तो यहाँ हमें क्या दिया गया है, पक्षी उड़ रहे थे, ये आपकी क्रिया है, आप इसे रेखांकित करके सामने लिखेंगे। तो हमने इस पूरे प्रश्न में देखा बच्चों की क्रिया रेखांकित करके और हमने उन्हें सामने लिखना है, तो यहाँ पर हमें वाक्य जो दिए हैं रेखांकित किया और सामने क्रिया शब्दों को लिखा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर दो, वाक्य पढ़कर क्रिया का काल लिखिए, तो यहाँ हम वाक्य पढ़ रहे हैं और क्रिया का काल बताना है। अभी हमने पढ़ा है कि कौन कौन से काल है, आपका भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, तो हमें उन्हीं काल को यहाँ बताना है। तो यहाँ वाक्य देखते हैं, क, जतिन पुस्तक पढ़ रहा है, जो काम अभी हो रहा है वो कौन से काल में आएगा, वो वर्तमान काल में, तो यहाँ आ जाएगा आपका वर्तमान काल। माँ, ख देखते हैं, माँ बाजार जाएगी, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ये काम कब होगा, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल में, तो ये कौन सा काल हो गया, भविष्यत काल। इसी प्रकार हम देख लेते हैं बच्चों, चिड़िया चींची कर रही थी, यानी कि कौन सा काल हो गया, ये आपका भूतकाल, क्योंकि यहाँ हमने बताया कि थी लगा हुआ है, जो काल मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सा काल है, भूतकाल, जो बीत चुका है, तो यहाँ हम लिखेंगे भूतकाल। उसी प्रकार हम आ जाते हैं आगे के प्रश्न पर, यहाँ दिया गया है, भारत मैच जीत गया, तो यहाँ कौन सा काल है, यहाँ हमारा काल दिया गया है भूतकाल। उसी प्रकार हम आगे का वाक्य देखते हैं, प्रिया चित्र बनाएगी, आपको समझ में आ रहा है ये कौन सा काल है, क्योंकि इस काल के बारे में हम अभी बता रहे हैं, जो काम कब होगा, भविष्य में होगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्रिया चित्र बनाएगी, कौन सा काल दिया गया है बच्चों, यहाँ दिया गया है भविष्य काल। तो इस तरीके से बच्चों हम ये वाक्य जो दिए गए हैं इन वाक्यों को काल, जो भी वाक्य के काल हैं वो हम सामने लिखेंगे। तो हमें वाक्य में दिए गए हैं सभी वाक्यों के अंदर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल दिए गए हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको अपना कॉपी वर्क बहुत ही सुंदर अक्षरों में करना है। बच्चों मुझे आशा है आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से समझा होगा, धन्यवाद। तो बच्चों हम आ जाते हैं बुक वर्क पर। प्रश्न नंबर दो, क्रिया का सही रूप भरकर वाक्य पूरे कीजिए, यानी यहाँ हमें कोष्टक में क्रिया के रूप दिए हैं लेकिन हमें सही क्रिया का रूप प्रयोग में लेना है। तो क, नानी ने बच्चों को कहानी अब सुनाना, तो ये सही रूप नहीं लग रहा है, तो हमने इसको कैसे बना दिया, सुनाई, ठीक है, इसलिए क्रिया का रूप यहाँ पर हमने सही कर दिया है। ख, मैंने
अपने मित्र को पत्र लिखना लिखा है, यानी हमें धातु का प्रयोग किया है, ना प्रत्यय हटा दिया तो लिखा। इसी प्रकार ग, बादल रिक्तस्थान दिए हैं, लगे, गरजना, गरजना की जगह हमने सही क्रिया का रूप लिया, गरजने लगे। इसी प्रकार हम मोहित प्रतिदिन शाम को खेलता है, खेलना लिखा है यहाँ पे, हमें ब्रैकेट में दिया लेकिन खेलना है तो हमारी क्रिया सही नहीं है, हमने यहाँ खेलता है। इसी प्रकार देखते हैं ड, जोकर को देखकर बच्चा डैश, यहाँ रिक्तस्थान दिया है, लगा हंसना, हंसना यानी वाक्य को सही नहीं लग रहा है, क्रिया का रूप सही नहीं है, हमने यहाँ सही वाक्य के लिए सही क्रिया बनाई, हंसने लगा। तो यहाँ हमें जो कोष्टक में क्रिया शब्द दिए हैं उसका हमें सही रूप का प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ सही रूप का प्रयोग करके वाक्य मैंने रिक्तस्थान की पूर्ति की। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3, क्रिया का भेद लिखिए, सकर्मक और अकर्मक। हमें क्रिया बतानी है कौन सी सकर्मक है और कौन सी अकर्मक है। तो सबसे पहले क देखते हैं बच्चों, खरगोश गाजर खा रहा है। तो बच्चों हम आते हैं कि खरगोश गाजर खा रहा है, इसमें कैसे ये सकर्मक वाक्य है, तो हम बोर्ड पर देखते हैं। तो वाक्य है हमारा, खरगोश गाजर खा रहा है। तो बच्चों यहाँ हमें सबसे पहले इस वाक्य की पहचान करनी है कि ये सकर्मक है कि अकर्मक। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ कर्ता क्या, कौन है। तो यहाँ क्या दिया गया, खरगोश, यानी कि हमें कर्ता मिल गया। और उसके बाद खा रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारी क्रिया है, तो हमें यहाँ क्या मिल गई, क्रिया। और अब हमें क्या ढूंढना है, कर्म। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ हमें कर्म मिल रहा है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य है, ये हमारा सकर्मक वाक्य है। तो मैंने भी आपको बताया था कि जहाँ हमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों दिए जाएंगे वह वाक्य हमारा सकर्मक वाक्य है। आपको सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया और उसके बाद कर्म ढूंढना है। अगर हमें कर्म मिलता है तो हमारा वाक्य क्या कहलाएगा, सकर्मक वाक्य कहलाएगा। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं बच्चों, हम ख देखेंगे बच्चों, हम पवन सो रहा है। अभी मैंने आपको बताया है कि हमें वाक्य में क्या ढूंढना है, हमें वाक्य में क्या, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो मैंने देखा पवन क्या है, कर्ता, और सो रहा है क्रिया। तो हमारे इस वाक्य में हमें क्या नहीं मिला है, हमें इसमें कर्म नहीं मिला है, इसलिए ये अकर्मक वाक्य है। इसी प्रकार अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, सकर्मक वाक्य, क्योंकि यहाँ कर्म दिया गया है। अब ऐसे ही हम एक और वाक्य देख लेते हैं बच्चों, मछलियां तैर रही हैं, बहुत सारी हैं, इसलिए हमने यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया। अब वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है, मैंने यहाँ देखा हमें क्या मिल गया है, हमें यहाँ पर कर्ता, तो हमने कर्ता, और तैर रही हैं वो क्या है हमारा यहाँ पर, क्रिया। तो हमें इस वाक्य में क्या नहीं दिया गया है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास यहाँ कर्म नहीं दिया गया है, तो ये हमारा वाक्य कौन सा हुआ, ये हमारा वाक्य हो गया अकर्मक। इसी तरीके से आप वाक्यों को पहचान सकते हैं, और इस तरीके से ही हम कर्म यानी सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। यह हमारा वाक्य कौन सा है, ये हमारा वाक्य था सकर्मक। तो हमें सकर्मक और अकर्मक वाक्य को
पहचानने के लिए इस तरीके से अगर हम उसको सॉल्व करते हैं या देखते हैं, करके देखेंगे कि हाँ, तो वो हमें सही रूप से हमें पता चल जाएगा कि ये सकर्मक वाक्य है और ये अकर्मक वाक्य है। आगे चलते हैं बच्चों, हम आगे आपका दिया गया है बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ बच्चे क्या है, बच्चे कर्ता, खेल रहे हैं क्रिया, तो हमारा ये इस वाक्य में क्या नहीं मिल रहा है, हमें कर्म नहीं मिल रहा है, इसलिए ये वाक्य हमारा अकर्मक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे हमें प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों को बताए गए काल के अनुसार बदल कर लिखिए। तो काल तो अभी हमने पढ़ा ही है कि काल 3 प्रकार के हो गए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत्काल। तो यहाँ काल हमें जो कोष्टक में दिए हैं, हमें वाक्य को उसी काल में बदलना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क, हम छुट्टियों में नानी के घर गए थे, इसे हमें भविष्यत काल में बदलना है, यानी कि फ्यूचर टेंस। तो आप इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, हम छुट्टियों में नानी के घर जाएंगे। इसी प्रकार हम ले लेते हैं ख, रेलगाड़ी 2 बजे आएगी, इसको हम भूतकाल में बदलेंगे बच्चों। तो कैसे होएगा, भूतकाल में हमें इस वाक्य को क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो हम इस वाक्य को भूतकाल में लिखकर देखते हैं कैसे। यहाँ दिया है रेलगाड़ी 2 बजे आएगी, तो हम ले रहे हैं रेलगाड़ी 2 बजे आई थी। ये हमारा वाक्य किस में बदल गया, ये हमारा वाक्य भूतकाल में बदल गया, क्योंकि हमने यहाँ थी का प्रयोग किया है, यानी कि हमने भूतकाल में इस वाक्य को परिवर्तित किया। जो काम हो चुका है उसे हम भूतकाल में कहते हैं, भूतकाल में हमने आई थी, यानी जो भूतकाल में आ रहा है। उसी प्रकार हम बच्चों देखेंगे यहाँ ग, रिद्धिमा विद्यालय जाएगी, ये वर्तमान काल में इसको बदलना है, तो रिद्धिमा विद्यालय जा रही है। घ देखते हैं, पर्यावरण दिवस पर बच्चों ने पौधे लगाए, अब भविष्यत काल में इस वाक्य को बदलना है, यानी कि फ्यूचर टेंस। तो यहाँ होगा पर्यावरण दिवस पर बच्चे पौधे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे यानी कि अभी लगाए, यहाँ दिया है पौधे लगाए, तो यहाँ इस वाक्य को लगाए, यानी कि हमारा क्या चल रहा है, वर्तमान काल चल रहा है। इस प्रकार हमने इसको फ्यूचर टेंस में यानी कि भविष्यत काल में बदला है, तो यहाँ हो जाएगा लगाएंगे, तो यहाँ वाक्य बदल गया हमारा लगाएंगे। इसी प्रकार हम पिकनिक पर जाएंगे, यानी इसको हमको वापस भूतकाल में, अभी मैंने आपको बताया था भूतकाल में बदलने के लिए हमें कैसे भूतकाल के बारे में बताना, थी, हो चुका, कर चुके, तो यहाँ हमने बदला हम पिकनिक पर गए थे, यानी हम जा चुके थे। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि हम पिकनिक पर गए थे, लेकिन हमको वाक्य किस में दिया है, हमको वाक्य दिया गया है भविष्यत काल में, और इसको हमने भूतकाल में परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार बच्चों यहाँ हम प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है क्रियाओं को सही काल के नीचे लिखिए, यानी हमें काल दिए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, और यहाँ क्रियाएं भी दी गई हैं। अब क्रियाएं किसके अनुसार है, भूतकाल की हैं, वर्तमान काल की हैं, भविष्यत काल की हैं, तो जाता है, अब आपको बताना है बच्चों कि जाता है कौन सी क्रिया है, आपको उसको ये कौन सी क्रिया चल रही है। जो क्रिया हमारी वर्तमान में चलती है उसे हम बोलते हैं जाता है, तो यहाँ हमें वर्तमान काल मिल रहा है, तो यहाँ वर्तमान काल में हमारा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हम ले लेते हैं नाचेगी, तो यहाँ ले लेते हैं नाचेगी, और नाचेगी कौन सी क्रिया है, क्योंकि ये हम भविष्य काल की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, भविष्यत काल की क्रिया हो गई है। उसी प्रकार पढ़ चुका,
पढ़ चुका यानी जो काम हो चुका होता है उसे हम क्या कहते हैं, कौन से काल को कहते हैं, जिस काल में हम काम कर चुके हैं यानी कि भूतकाल। तो यहाँ हमारा वर्तमान काल आ गया, भविष्यत काल आ गया और भूतकाल आ गया। तो इसी प्रकार से हमें बच्चों यहाँ क्या दिए गए हैं, ब्रैकेट के अंदर सभी क्रियाएं दी गई हैं, हमें उन्हें अलग अलग काल के अनुसार बदलना है। तो आ जाते हैं बच्चों हम यहाँ पर, यहाँ देखिए भूतकाल में हमने क्या चुना, पढ़ चुका, पढ़ चुका अभी मैंने आपको बोर्ड पे बताया है, उसी प्रकार चला गया, यहाँ दिया गया है चला गया कौन सा काल है, ये भूतकाल है। और सो गया यहाँ पर दिया गया है सो गया, यानी ये तीनों ही क्रिया भूतकाल में हुई है इसलिए यहाँ हमने इनको भूतकाल में लिखा है। वर्तमान काल में आते हैं, जाता है अभी मैंने आपको बताया है, यहाँ लिखा है ये वर्तमान काल है। उसी प्रकार गाती है तो ये कौन सा काल हो गया, वर्तमान काल। उसी प्रकार पी रहा है, तो जो काम हम वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट समय में करते हैं उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अब भविष्यत काल, भविष्यत काल में कौन कौन से आएंगे शब्द वो देखते हैं बच्चों। क्रिया के अनुसार लिखेगा, नाचेगी अभी हमने बोर्ड पे देखा है, उसी प्रकार लिखेगा और उसी प्रकार हमारा दिया गया है जीतेगा। तो यहाँ हमने देखा बच्चों भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के अनुसार क्रियाएं दी गई हैं, हमने उन्हें उनके काल के ही कॉलम में लिख दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम,